अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हम पत्थर की अगर रिंग बनवा लें तो उसको किस हाथ में पहने। तो मेरे भाइयों, उन्हें मैं बता देता हूँ कि जब भी आप अंगूठी बनवा लेते हैं तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ दाएँ हाथ में पहने, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ में पहनी थी अंगूठी और बाएं हाथ में हरगिज़ ना पहने। क्योंकि बाज़ लोग तो बाथरूम में जाते वक्त रिंग को उतार लेते हैं, जेब में रख लेते हैं या बाहर रख कर जाते हैं, तो बाज़ लोग नहीं उतारते। जबकि पत्थर कुरान पाक में है कि अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्या हम जिक्र करने वाली चीज़ को किसी गंदी जगह पर लगा सकते हैं मेरे भाइयों? और एक बात ये याद रखें कि दाएं हाथ में पहने, और दूसरा ये याद रखें कि रिंग को अपने साइज से थोड़ा सा खुला बनाएं ताकि वुजू करते वक्त वहां से पानी गुजर सके, क्योंकि अगर पानी नहीं गुजरेगा तो आपका वुजू नहीं होगा, तो अगर वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो साइज़ से थोड़ा सा खुला बनाएं, या कम से कम बेहतर तो यह है उतार ही लिया करें वजू के वक्त। अगर आप उतार नहीं सकते तो कम से कम वजू करते वक्त अंगूठी को थोड़ा सा हिला लिया करें इस तरह, ताकि वहां से पानी गुजर जाए। ये थी मेरे भाइयों हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बराए करम अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।